नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो और तीन कैंडल वाले जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब डबल कैंडल और ट्रिपल कैंडल वाले बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। हम यहाँ पर डबल कैंडल और ट्रिपल कैंडल वाले कुछ इंपॉर्टेंट बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखेंगे जो की आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में काफी हेल्पफुल होगा। तो जो पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। इनगल्फिंग का अर्थ होता है कि पिछले बेयरिश कैंडल को पूरी तरह से ढक लेने वाला बुलिश कैंडल, और इस दोनों कैंडल के पैटर्न को हम बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं, जिसमें एक कैंडल बेयरिश कैंडल होता है और दूसरा जो कैंडल होता है ये बुलिश मोरबाजू हो सकता है या एक सिंपल लॉन्ग बुलिश कैंडल हो सकता है, और इस दोनों कैंडल के पैटर्न को हम बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का संकेत होता है कि यहाँ से ट्रेंड जो है काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, काफी प्राइस ऊपर तक जा सकता है। यहाँ पर जो आपको एंट्री लेना है इसका जो क्लोजिंग हो जाता है इसके जस्ट यहाँ पर क्लोजिंग एवं लेना है जब प्राइस इसके एवं जाने लगे, और यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का जो बॉटम है इसके जस्ट नीचे क्लोजिंग बेसिस आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है और प्रॉफिट तब तक बुक नहीं करना है जब तक कि आपको रिवर्सल का साइन नहीं दिख जाता है। जब भी रिवर्सल का साइन दिखे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब दूसरा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है मॉर्निंग स्टार। काफी इंपॉर्टेंट और काफी बेहतरीन बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। इसमें जो हमारा तीन कैंडल होते हैं, तीन कैंडल में जो पहला कैंडल होगा ये बेरिश कैंडल होगा आपका, दूसरा जो होगा ये बुलिश या बेरिश कैंडल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये गैप डाउन खुलेगा जो क्लोजिंग है बेयरिश कैंडल का, मतलब पहले कैंडल का जो क्लोजिंग है उसे थोड़ा सा नीचे खुलना चाहिए और ये कैंडल साइज में काफी छोटा होना चाहिए, या हो सकता है ये कैंडल डोजी कैंडल भी हो सकता है। फिर यहाँ पर जो तीसरा कैंडल है ये एक बुलिश कैंडल होना चाहिए या लॉन्ग बुलिश कैंडल भी हो सकता है, और इसका जो क्लोजिंग होना चाहिए पहले कैंडल के जस्ट थोड़ा सा नीचे हो सकता है या उसके लेवल में ही होना चाहिए। इसके बाद जब प्राइस इसके ऊपर जाने लगेगा तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं और तब तक प्रॉफिट बुक नहीं करना है जब तक कि आपको रिवर्सल का साइन नहीं दिख जाता है चार्ट पर। अब जो हमारा तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न सिर्फ दो कैंडल से फॉर्म होता है। जो पहला कैंडल होता है एक लॉन्ग बेयरिश कैंडल होता है, फिर जो दूसरा कैंडल होता है एक लार्ज बुलिश कैंडल होता है, मोरबाउजू कैंडल भी हो सकता है, दोनों का दोनों मोरबाउजू भी हो सकता है। ये हमारा बेयरिश मोरबाउजू होगा, सेकेंड हमारा बुलिश मोरबाउजू होगा, और फिर यहाँ पर जब ये प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करने लगे जो इस दोनों कैंडल का हाई होगा, मतलब पिछले कैंडल का जो हाई है इसके ऊपर जाने लगेगा तब आपको एंट्री लेना है और जस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है। इस कैंडल का जो लो है बुलिश कैंडल का, यहाँ पर जो बुलिश कैंडल ओपन होता है वो बेयरिश कैंडल के नीचे ओपन होता है, मतलब गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग तेजी दिखाता है और ये पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग तेजी का संकेत होता है जिसके बाद प्राइस अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। तो प्रॉफिट तभी बुक करना है जब आपको रिवर्सल का साइन चार्ट पर दिखने लगे। अगला है थ्री व्हाइट सोल्जर। थ्री व्हाइट सोल्जर तीन लगातार बुलिश कैंडल होगा और ये एक सिंपल बुलिश कैंडल होता है। तो जब थ्री सिंपल बुलिश कैंडल आपको इस तरह से लगातार दिखे तो इसे हम थ्री व्हाइट सोल्जर कहते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का संकेत होता है। तो जैसे प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, जैसे देखिए इस कैंडल के बाद ऊपर ट्रेड करना शुरू किया तो यहाँ पर आपको एंट्री लेना है, इसके जस्ट नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है थ्री व्हाइट सोल्जर का जो ये लो होगा। फिर यहाँ पर देखिए काफी स्ट्रॉन्ग तेज यहाँ पर देखने मिला। प्रॉफिट आपको तब तक बुक नहीं करना है जब तक कि आपको चार्ट पर कोई रिवर्सल का साइन नहीं दिख जाता है, या आप अपने इमोशन के बेसिस पे यहाँ पर प्रॉफिट ले सकते हैं। उसके बाद जो अगला बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बुलिश किकर। बुलिश की गर्म है तो मात्र दो कैंडल से बनता है। यहाँ पर देखिए जो पहले ये बेयरिश ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, उसके बाद एकाएक प्राइस जो यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पर जो प्राइस गैप अप ओपन हुआ इसे हम बुलिश किकर कहते हैं, और यहाँ पर बता रहा है कि प्राइस जो है काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आप जो है बुलिश किकर के यहाँ पर जस्ट इस कैंडल के ऊपर यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये जो बेयरिश कैंडल था इसका लो जो है आपका स्टॉप लॉस होगा। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है, जैसे बुलिश किकर होता है कि प्राइस किस तरह का बिहेवियर दिखाता है, तो जैसे यहाँ पर अप ट्रेंड का बिहेवियर दिखा रहा है, मतलब चार्ट पर काफी स्ट्रॉन्ग है, तो आप यहाँ पर अपना ट्रेड ले सकते हैं और जस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा और प्रॉफिट तब तक बुक नहीं करना है जब तक ये ट्रेंड में कोई रिवर्सल ना दिख जाए, मतलब चार्ट को आपको रिवर्सल का साइन दिखना चाहिए। उसके बाद जो अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा वो है बुलिश इनगल्फिंग सैंडविच।
इसमें हमारा जो है कुल तीन कैंडल होते हैं। पहला कैंडल बेरिश कैंडल होता है, फिर दूसरा जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होता है, यहाँ पर ब्लैक लाइन से मतलब ब्लैक या रेड से हम बेरिश को दिखाते हैं, ये ब्लैक जो है हमारा बेरिश कैंडल है। फिर व्हाइट या ग्रीन से हम बुलिश कैंडल को दिखाते हैं, ये बुलिश कैंडल है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, काफी लॉन्ग बुलिश कैंडल है, तो जो कि काफी स्ट्रॉन्ग तेज को दिखाता है। लेकिन फिर से अगला एक बहुत ही बड़ा बेरिश कैंडल ओपन होता है, तो ये तीनों मिलाकर के हम इसको जो कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग सैंडविच कहते हैं, क्योंकि ये जो बुलिश कैंडल था ये पिछले कैंडल को इनगल्फ कर लिया, पूरी तरह से ढक लिया, लेकिन ये बेरिश कैंडल इस कैंडल को पूरी तरह से ढक नहीं पाया। उसके बाद जब प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करने लगे तब आपको यहाँ पर एंट्री लेना है, और जस्ट इसके नीचे जो आपको स्टॉप लॉस रखना है, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और प्रॉफिट तब तक बुक नहीं करना है जब तक कि चार्ट पे आपको रिवर्सल का साइन नहीं दिख जाता है, या आप अपने इमोशन के आधार पर अपना प्रॉफिट लेके बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद जो अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा वह है थ्री इनसाइड अप, काफी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए कभी भी कोई यहाँ पर देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, फिर यहाँ पर जो अगला दो कैंडल है वो बुलिश बनता है, जिसमें पहला कैंडल जो है काफी बड़ा होगा साइज का, मतलब ये भी काफी लॉन्ग कैंडल होगी लेकिन इस कैंडल से छोटा होगा, जो बेरिश कैंडल था जो कि काफी बड़ी लॉन्ग बेरिश कैंडल थी उससे छोटा कैंडल होगा। फिर जो अगला कैंडल होगा यहाँ पर बुलिश कैंडल वो जस्ट इसके ऊपर क्लोज हो, तो जैसे ऊपर क्लोज होगा यहाँ पर तो फिर आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, और यहाँ पर जो इस कैंडल का लो होगा मतलब जो पूरा ये जो हमारा सेटअप तैयार हुआ थ्री इनसाइड कैंडल, इसके जस्ट नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है क्लोजिंग बेसिस, और तब तक प्रॉफिट बुक नहीं करना है जब तक कि आपको चार्ट पर रिवर्सल का साइन नहीं दिख जाता है। फिर अगला जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है वह है थ्री आउटसाइड ऑफ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें सबसे पहला जो कैंडल होता है वो एक बेरिश कैंडल होता है, छोटी बेरिश कैंडल, फिर एक लार्ज बुलिश कैंडल बनती है, फिर एक बुलिश कैंडल बनती है। यहाँ पर एंट्री आपको तब लेना है जब प्राइस जो है ये दूसरे जो बुलिश कैंडल है इसके ऊपर ट्रेड करने लगे, यहाँ पर एंट्री लेना है, और स्टॉप लॉस इसका जो लो है मतलब ये जो तीन मिलाकर के जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया उसके लो के नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है, और प्रॉफिट तब तक बुक नहीं करना है जब तक कि कोई भी ट्रेंड रिवर्सल का साइन आपको नहीं दिख जाता है, या आप अपने इमोशन के अनुसार अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बुलिश हरामी। यहाँ पर बुलिश हरामी में देखिये ये बेरिश कैंडल बनता है, और दूसरा जो यहाँ पर कैंडल ओपन होता है वो गैप अप ओपन होता है, और ये एक बुलिश कैंडल भी हो सकता है बेरिश भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर गैप अप ओपन होना चाहिए, एक छोटी बुलिश या बेरिश कैंडल हो सकता है, बुलिश हो तो ज्यादा बेटर है। फिर जैसे इसके हाई को क्रॉस करेगा प्राइस तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पर जस्ट जैसे हाई को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर आपको एंट्री लेना है। इस कैंडल का जो लो होगा ये जो बेरिश कैंडल था लॉन्ग बेरिश कैंडल, इसके जस्ट नीचे आपको क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखना है, और प्रॉफिट तब तक बुक नहीं करना है जब तक कि चार्ट पे रिवर्सल का साइन नहीं दिख जाता है। अब जो अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है राइजिंग थ्री मेथड्स। राइजिंग थ्री मेथड्स जो है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का एक तरह से कहे कंटिन्यूएशन को दिखाता है कि ये ट्रेंड जो है कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर देखिए लगातार ट्रेंड हमारा बुलिश था, फिर यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बना, फिर यहाँ पर बुलिश बना, ये बुलिश कैंडल बनने के बाद तीन लगातार बेरिश कैंडल बना, ये लगातार तीन कैंडल बना, इसी को हम जो है राइजिंग थ्री मेथड्स कहते हैं। यहाँ पर प्राइस में अगर रिवर्सल का फिर से साइन दिखता है तो फिर से यहाँ पर जो प्राइस है वो बुलिश हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए वही देखने मिला, यहाँ पर जो प्राइस है फिर से बुलिश देखने मिला और एक नया हाई बनाया। ये है राइजिंग थ्री मेथड्स जो कि बताता है कि जो बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ऐसे ही एजुकेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।